बच्चों, आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है लीनियर इक्वेशन का पार्ट टू। जैसे कि आपने हमारी लास्ट वीडियो अगर देखी होगी जिसकी लिंक ऊपर आपको दिख रही होगी, उसमें क्या है हमारे पास दो मेथड्स हमने डील किए थे लीनियर इक्वेशन के। एक था हमारा एलिमिनेशन मेथड और एक था सब्स्टिट्यूशन मेथड। रिमेनिंग जो दो मेथड उसमें मैंने बताया था आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और ग्राफिकल मेथड, जिसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को हम लोग फॉर्मूला मेथड भी बोलते हैं, उन दोनों को हमको आज डिस्कस करना है। तो हम लोग आज इस वीडियो में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और ग्राफिकल मेथड देखने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में अगर हम लोग बोले जो हमारे जनरल इक्वेशन रहते हैं लीनियर इक्वेशन के, वो क्या रहता है बेटा, a1x plus b1y plus c1 is equals to 0 और a2x plus b2y plus c2 is equals to 0। तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला रहता है जिसमें आपको a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू पुट अप करनी रहती है। वो कौन सा फॉर्मूला रहता है जरा नोट करना, मैं उसका डेरिवेशन बता रहा हूं क्योंकि आपको अगर याद होने में दिक्कत होगी तो वो कैसे फॉर्मूला आया है उसको पहले मैं बता रहा हूं। x अपॉन हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, x के कोएफिशिएंट्स को हाइड करना और जो बचे हुए कोएफिशिएंट्स है उसको लिखो b1 b2 c1 c2। सिमिलरली y जब लिखोगे बेटा तो y के कोएफिशिएंट्स को हाइड करना और यहां से पहले लिखना तो c1 c2 a1 a2 और लास्ट एक 1 लिखेंगे हम लोग जिसको कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो ये कांस्टेंट टर्म्स को हाइड करेंगे, बचेगा क्या a1 a2 b1 b2। अब जैसा कि नाम है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो होगा कुछ नहीं, इनका हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा बेटा, x अपॉन क्या बन जाएगा ये आपका b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल्स टू y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये आपका आ गया फॉर्मूला फॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एक बार आप फिर से मैं बता रहा हूं क्या करोगे, x अपॉन ये x के कोएफिशिएंट्स को हाइड करना, बचा b1 b2 c1 c2 उसको पुट अप किया, y के कोएफिशिएंट को हाइड किया c1 c2 a1 a2 इसको पुट अप किया, c1 c2 को हाइड किया इसको पुट अप किया, देन हम लोग इसका क्या कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, देन ये वैल्यूज आपने पुट की और इसको हम लोग को सॉल्व करना रहेगा। क्लियर है बेटा? तो ये जैसे आपका ये फॉर्मूला है इसके थ्रू अब हम लोग क्वेश्चन डील करते हैं। क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा उसको देखते हैं इस फॉर्मूला का यूज करके। जरा ये फॉर्मूले को पहले नोट कर लीजिएगा, फिर इसके हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन जो रहेगा इसका बेटा कुछ इस टाइप से गिवन रहेगा, जैसे हम लोग लास्ट एलिमिनेशन वगैरह में प्रैक्टिस किए थे, सब्स्टिट्यूशन में प्रैक्टिस किए थे। क्वेश्चन सारे आप किसी भी मेथड से कर सकते हो जब तक आपको स्पेसिफाई नहीं है, लेकिन अगर कोई मेथड स्पेसिफाई कर देता है तो आपको उस पर्टिकुलर मेथड से ही करना है। एक क्वेश्चन ले ले रहे हैं हम लोग, जैसे 2x plus 4y is equals to 6 और दूसरा ले लेते हैं हम लोग 3x plus 5y is equals to 2। ये एक फॉर एग्जाम्पल आपका कोई क्वेश्चन है, इसको पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, 2x plus 4y minus 6 is equals to 0 और 3x plus 5y minus 2 is equals to 0। क्लियर है बेटा? ये दो आपके एक्सप्रेशंस आ गए। अगर मैं इसमें से कोएफिशिएंट्स लिखूं तो ये आपका बन रहा है a1 is equals to 2, b1 is equals to 4, c1 is equals to minus 6। सिमिलरली a2 is equals to 3, b2 is equals to 5 और c2 is equals to minus 2। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला आपका अभी लिखे आपने क्या लिखा था, x upon b1 c2 minus b2 c1 is equals to y upon c1 a2 minus c2 a1 is equals to 1 upon a1 b2 minus a2 b1। इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज को हम लोग पुट अप करते हैं। कैसे बनेगा बेटा, x upon b1 की वैल्यू क्या है बताना, 4 into c2 की वैल्यू कितनी है आपकी minus 2, minus b2 की वैल्यू कितनी है 5 into c1 की वैल्यू आपकी minus 6 is equals to y upon c1 की वैल्यू आपके पास minus 6 into a2 की वैल्यू आपके पास 3 minus c2 की वैल्यू है minus 2 into a1 की वैल्यू है 2 is equals to 1 upon a1 की वैल्यू है 2 into 5 minus 3 into 4। क्लियर है बेटा? इतना हो गया। अब जरा सिंपलीफाई करते हैं हम लोग इसको, तो x upon इसकी वैल्यू कितनी आ रही है minus 8 plus 30 is equals to y upon कितना आएगा बेटा minus 18 plus 4 is equals to 1 upon 10 minus 12। क्लियर है? अब इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम लोग जब, तो x upon कितना आ जाएगा बेटा minus 8 plus 30 plus 22 is equals to y upon कितना आ जाएगा minus 14 और 1 upon कितना आ रहा है आपके पास minus 2। अब बस कुछ नहीं करना है, ये आपने पूरा कैलकुलेशन पार्ट कर लिया। अब जो ये आपको मिला है x upon 22 is equals to y upon minus 14 is equals to 1 upon minus 2,
इसको एक बार x को कांस्टेंट के साथ यूज करेंगे, इक्वेट करेंगे, एक बार y को कांस्टेंट के साथ हम लोग इक्वेट करेंगे। मैं ये वाला पार्ट रब कर रहा हूँ बेटा, कैसे इक्वेट होगा समझना जरा यहाँ पे। तो आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी, क्या रहेगा बेटा, x अपॉन 22 विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस 2, और दूसरा क्या लूंगा बेटा, y अपॉन माइनस 14 विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x इज इक्वल टू 22 बाय माइनस 2, या फिर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, माइनस 11, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस 14 अपॉन माइनस 2, या फिर y की वैल्यू आपको कितनी आ जाएगी, प्लस 7। क्लियर है बेटा, ये आपको x और y की वैल्यू मिल गई। और आपको चेक करने का मेथड मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बताया कि आपका आंसर जो आया है वो सही है कि नहीं, चेक करने के लिए यहाँ पे पुट कर लोगे 2 इंटू माइनस 11 माइनस 22 और 4 इंटू 7 प्लस 28 माइनस 22 प्लस 28 इज इक्वल्स टू प्लस 6। सिमिलरली इसमें भी पुट करके चेक करो तो x और y की आपको वैल्यूज मिल गई। क्लियर है, ये मेथड कहलाता है आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड और फॉर्मूला मेथड। ये मेन फॉर्मूला है, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, रटने की कोशिश मत करना, कोई एकदम टफ फॉर्मूला नहीं है। कैसे डिराइव करना है मैंने आपको बता दिया, जब x अपॉन लिखोगे तो x के कोएफिशिएंट्स को हाइड कर लोगे, जब y अपॉन लिखोगे तो y के कोएफिशिएंट्स को हाइड कर लेना, जब कांस्टेंट अपॉन लिखोगे तो कांस्टेंट के कोएफिशिएंट्स को हाइड कर देना। बस स्टैंडर्ड इक्वेशन में जरूर कन्वर्ट करना, मतलब इक्वल वाले टर्म्स को इस तरफ ले जाके इक्वेट कर लेना जीरो से, नहीं तो आपके आंसर में माइनस प्लस के डिफरेंस आएगा। क्लियर है बेटा। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग ग्राफिकल मेथड से समझते हैं। ग्राफिकल मेथड मैंने आपका सबसे लास्ट में क्यों डिस्कस कराया वो भी आपको इस वीडियो के लास्ट तक क्लियर हो जाएगा। ग्राफिकल मेथड में अगर आपको क्लास 9th का याद होगा, हम लोग क्या करते थे, ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं आपको क्लियर था, ये दे देता हूं मैं इसको दे देता हूं। फॉर एग्जांपल ये आपका इक्वेशन था, x is equals to 2x plus 4y is equals to 6, 3x plus 5y is equals to 2, इसको दे देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1, इसको दे देता हूं इक्वेशन नंबर 2। किसी भी एक वेरिएबल की हम लोग वैल्यू निकालेंगे, फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट वाले में क्या कर रहा हूं, लेट 4y is equals to 6 minus 2x और y is equals to 6 minus 2x divided by 4। क्लियर बेटा। अब हम लोग इसमें एक टेबल बनाएंगे, याद होगा क्लास 9th में कैसे करते थे बेटा, x और y की तीन वैल्यूज ले सकते हो, चार वैल्यूज ले सकते हो, मिनिमम तीन लेना ज्यादा बेटर रहेगा। सबसे पहली वैल्यू जो लेता हूं मैं वो लेता हूं माइनस वन। जब माइनस वन पुट करते हैं बेटा तो क्या हो जाएगा, 6 प्लस 2 बाय 4 मतलब 8 बाय 4, मतलब एक y की वैल्यू आपको कितनी आ गई 2। एक बार लेता हूं मैं 0, x जब 0 पुट कर रहा है तो 6 बाय 4 मींस 3 बाय 2, या फिर लिख सकता हूं मैं 1.5। और जब प्लस 1 ले लेता हूं तब कितना आ जाएगा बेटा, 6 माइनस 2 4 बाय 4, मतलब कितना आ गया आपको प्लस 1। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन का वो बन गया हमारा, मतलब टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। सेकेंड इक्वेशन का भी निकालता हूं तो यहां से क्या बन जाएगा बेटा, डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं इसमें, तो y will be equals to 2 minus 3x upon 5। क्लियर है बेटा, इसका भी टेबुलर फॉर्म बना लेते हैं हम लोग। अब वैल्यूज इसमें हो सके तो ऐसी लो जो हमारा 5 से डिविजिबल होकर आती है, तो नहीं आती है तो फिर उसको हम लोग एडजस्टमेंट कर लेंगे, जैसा भी रहेगा चेक करते हैं। अभी फिलहाल ऐसी कोई वैल्यूज इसमें डिसाइड करो सबसे पहले जिससे हम लोग लें, तो वो 5 का डिविजिबल आता है तो कोशिश करते हैं, नहीं आता है तो फिर फ्रैक्शन में छोड़ेंगे उसको, ठीक है। कैसे करना है, अब इसमें x की वैल्यू अगर मैं फॉर एग्जाम्पल कितनी ले रहा हूँ, 5 ले लेते हैं, तो 5 3 सा कितना हो जाएगा बेटा आपका 15, 2 माइनस 15 कितना रहा है, माइनस 13 अपॉन 5। मैंने क्या लिया यहाँ पे, x की वैल्यू प्लस 5 ली है, तो 2 माइनस 15 मतलब माइनस 13 अपॉन 5 मतलब माइनस 2.6। क्लियर है बेटा। फिर उसके बाद एक बार मैं वैल्यू ले लेता हूँ 0, x की जगह जब मैंने 0 लिया तब कितना आ जाएगा बेटा 2 बाय 5, मतलब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 0.4। ठीक है, आप सॉल्व करके देख सकते हो, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ क्योंकि क्लास 9th में आपका प्रैक्टिस किया हुआ है, ठीक है। देन एक बार पुट करते हैं अपन माइनस 5, माइनस 5 पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 से 15 प्लस 2 17, 17 बाय 5 मतलब कितना आ जाएगा बेटा 3.4। बस अब ये जो दो आपको मिले हैं इसका हमको ग्राफ में प्लॉटिंग करनी है। कैसे प्लॉटिंग होगी जरा समझिएगा, एक ही ग्राफ में दोनों को प्लॉटिंग करनी है। वैल्यूज आप ऐसी लीजिएगा जिसको ग्राफ में आप प्लॉट कर सकें, ये हमारा सिंगल डेसिमल वैल्यू प्लॉटिंग बहुत इजी रहती है, इसलिए मैंने ये लिए माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4
माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, ये याद होगा, ये पॉजिटिव एक्स एक्सेस, ये नेगेटिव एक्स एक्सेस, ये पॉजिटिव वाई एक्सेस, ये नेगेटिव वाई एक्सेस। प्लॉटिंग शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले तो पहले इस वाली इक्वेशन की कर रहा हूं मैं, जब माइनस वन दिया तब टू आ रहा है, माइनस वन पे वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, प्लस टू, मतलब पॉइंट आएगा आपका यहाँ पे। फिर उसके बाद आ रहा है बेटा जीरो पे कितना आ रहा है 1.5, जीरो पे कितना आ रहा है 1.5, ये आप ग्राफ में प्लॉट करोगे तो और आपको एक्यूरेसी से मिलेगी। वन पे कितना मिल रहा है आपको, वन मिल रहा है, वन पे आपको वन मिल रहा है। अब ये तीनों पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन बनानी है आपको, ये कुछ ऐसे, ठीक है। और दूसरा एक काम करना, इसके ऊपर इक्वेशन लिख देना 2x plus 4y is equals to 6, जिसकी ये लाइन रहेगी। सेकंड वाले की प्लॉटिंग करते हैं बेटा, प्लस 5 पे माइनस 2.6, प्लस 5 पे माइनस 2.6, कुछ यहां पर जाएगा बेटा आपका, ठीक है। फिर उसके बाद है 0 पे 0.4, 0 पे 0.4 कुछ यहां पर आएगा आपका। देन लास्ट है माइनस 5 पे 3.4, माइनस 5 पे 3.4 कुछ यहां पर जाएगा। तो इनकी जब प्लॉटिंग करेंगे बेटा हम लोग, तो ये कुछ ऐसा आएगा। क्लियर है बेटा? तो ये आपको दिख रहा है। अब अगर इसको देख रहे हो आप ध्यान से, तो जहां पर ये इंटरसेक्ट होगा, आपको ग्राफ में और क्लियरली अच्छे से दिखेगा ये, तो जहां पर ये इंटरसेक्ट होगा उसकी एक्स और वाई की जो वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी, आपकी एक्स और y की वैल्यू कहलाएगी। क्लियर है बेटा? इस वे में आपको इसका ग्राफ की प्लॉटिंग करनी है, ये कहलाता है आपका ग्राफिकल मेथड, ठीक है। बस वही है जो दो इक्वेशन गिवन है, दोनों के ग्राफ की प्लॉटिंग करनी है, जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करेगा वो इंटरसेक्शन पॉइंट रहेगा इसका आंसर। क्लियर है? अब जो नेक्स्ट हमको देखना है बेटा, जो मैंने ग्राफिकल मेथड को आपको क्यों पीछे छोड़ा, सबसे लास्ट में करवाया, वो समझना। आपने अभी तक जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे, जो आपका फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज में दिए होंगे एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से, उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल रहे होंगे जिसमें आंसर आपको नहीं आ रहा होगा। आंसर नहीं आ रहा होगा इन द सेंस मतलब कि आप बोल रहे होगे कि इसमें एक्स और वाई दोनों हमारे एलिमिनेशन करने में कट जा रहे हैं, मतलब एक्स और वाई बच ही नहीं रहे, या सब्स्टिट्यूशन करने में x और y बच ही नहीं रहे हमारे पास, ठीक है, पूरे इक्वेशन खत्म हो जा रहे हैं। तो जितने भी हमारे इक्वेशन रहते हैं इनको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ द लीनियर इक्वेशन। तीन तरीके के सॉल्यूशन रहते हैं बेटा। सबसे पहला तो रहता है आपका एक नो सॉल्यूशन, ठीक है, एक रहेगा आपका यूनिक सॉल्यूशन, और एक रहेगा आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये क्या रहता है, अगर आपने ग्राफ की प्लॉटिंग की, ठीक है, अगर आपने जो ग्राफ ड्रॉ करोगे अभी आज इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, अगर जो ग्राफ आ रहे हैं वो दोनों के दोनों पैरेलल लाइंस आती है, तो ये वाले क्वेश्चंस का कभी भी सॉल्यूशन नहीं रहता है। इफ बोथ द लाइंस आर पैरेलल देन इट हैज नो सॉल्यूशन, क्योंकि जब तक दोनों लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो आपका सॉल्यूशन मतलब आपको एक्स और वाई की वैल्यू नहीं मिलेगी। यूनिक सॉल्यूशन जिसका सबसे इंपॉर्टेंट केस है, जो हमको सबसे ज्यादा डील करना है, उसमें क्या रहेगा, अभी अभी आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, यूनिक सॉल्यूशन में जो ग्राफ रहेंगे वो आपस में क्या करेंगे बेटा, इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, इसकी क्या रहेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। क्लियर है? और लास्ट आता है आपका इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। यूनिक सॉल्यूशन में एक्स और वाई की वैल्यू सिंगल सिंगल मिलेगी आपको। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, अगर कोई दो ऐसे इक्वेशंस हैं जिनकी लाइंस कोइंसिडेंट है, मतलब एक दूसरे के ऊपर से ही पास हो रही हैं, तो वो क्या कहलाएगा बेटा, आपका इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अब ये तो आपको ग्राफिकल मेथड की बात की, ये ग्राफ देख के आपको बताना है कि ये यूनिक सॉल्यूशन है, ये नो सॉल्यूशन है, या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। लेकिन आपको अगर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक नंबर दो नंबर में कि चेक द गिवन इक्वेशन वेदर इट हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, तब कैसे करोगे? तो बेटा एक नंबर दो नंबर के लिए ग्राफ तो आप प्लॉट करोगे नहीं, तो उसमें क्या रहती है हमारी बेटा, जैसे अगर हम लोग जनरल एक्सप्रेशन ले रहे हैं a1x plus b1y plus c1 is equals to 0, a2x plus b2y plus c2 is equals to 0, तो पैरेलल लाइंस का या फिर नो सॉल्यूशन की जो कंडीशन रहती है वो कुछ ये रहेगी, a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 but not equals to c1 upon c2, ये आपका रहेगा नो सॉल्यूशन की कंडीशन। यूनिक सॉल्यूशन की जो कंडीशन रहेगी वो रहेगी a1 upon a2 is not equals to b1 upon
बी टू, और जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहेगा उसकी कंडीशन रहेगी ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। क्लियर है? तो आपको सिर्फ एग्जाम में ये तीन कंडीशंस के थ्रू चेक करना है कि हमारा जो क्वेश्चन गिवन है उसका नो सॉल्यूशन है कि यूनिक सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। क्लियर है बेटा? तो इन तीन फॉर्मूले से आप ये सिर्फ क्वेश्चन को देखकर आप बता सकते हैं कि कोई भी जो गिवन क्वेश्चन है उसका क्या सॉल्यूशन रहेगा, और इसके आगे फिर आपको जो भी मेथड्स यूज करके जो भी आपको इजी लगता है उस मेथड से आप उस क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है? तो आज जो हमने देखा वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड देखा, देन ग्राफिकल मेथड देखा, और कंसिस्टेंसी ऑफ अ लीनियर इक्वेशन देखी। अब जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसकी पार्ट थ्री बनाएंगे बेटा लीनियर इक्वेशन की, उसमें हम इसके वर्ड प्रॉब्लम्स पे डिस्कशन करेंगे। अलग अलग टाइप की वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम की रहेगी, फिर एजेस की प्रॉब्लम रहेगी, फिर उसके बाद लेंथ ब्रेथ की प्रॉब्लम्स रहेगी। इस तरीके से आपको अलग अलग प्रॉब्लम्स रहेगी, उन टॉपिक वाइज हम लोग उसके क्वेश्चंस के थ्रू हम आपको क्लियर करेंगे। आगे की वीडियोस पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है? जैसे जैसे हम लोग अपडेट करते जाएंगे आपको वीडियोस मिलती जाएगी। टिल देन ऑल द बेस्ट।